Good morning, guys. 6:30. Oof. I don't think sunrise is hua, but it's ridiculously cold. 11 degrees hai. ब्लैंकेट से उतरने का बिल्कुल मन नहीं किया। पुणे वासियों के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अगर आप हिल स्टेशन पर रहते हो यार, अगर आपको दिल्ली के विंटर्स की आदत है तो ये आपके लिए ऐसे कच्चा लींबू टाइप्स लगेगा। तो कुछ नहीं है, बट फॉर पुणे पीपल दिस इज़ कोल्ड। ऐसे मोमेंट्स में मैं न्यूज़पेपर वालों को और दूध वालों को बहुत ज़्यादा सल्यूट और रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उनको नो मैटर वॉट इतनी सारी ठंडी में हर सुबह लाइक डिलीवर करना पड़ता है। दैट्स क्रेजी। वहाँ पर सनराइज हो रहा है। लेट्स स्लोली स्टार्ट द डे। ओके, सो सीन ये है कि मेरा जो टूथब्रश है वो पेरेंट्स के रूम में है और मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं, इसीलिए मुझे पता नहीं कि क्या करूँ। ब्रश तो वैसे करना ही है, बिकॉज ब्रश किए बिना कुछ भी कंज्यूम करना बहुत डिस्गस्टिंग होता है। Like I hate it. At least वो टूथपेस्ट ऐसे मुंह में एक बार जब चली जाएगी ना तो थोड़ा फ्रेश लगता है, राइट? बट टिल देन आई गेस हम कॉफ़ी उबालने के लिए रख देंगे। अभी 6:30 बजे मैं यहाँ पर उठ गया था। मैं ब्लैंकेट से उतरा, वॉशरूम गया क्योंकि मुझे सुसु करनी थी, वो सब हो गया। मैं वापस आ गया और फिर मैंने ऐसे अपनी ब्लैंकेट की ओर देखा और बाहर इतनी ठंडी थी कि मेरा नेचुरल इंस्टिंक्ट था टू गो बैक इन बेड और फिर मैं वापस लेट गया। फिर 2 मिनट के बाद आई वॉज लाइक वॉट एम आई डूइंग, दैट इज सच अ वीक मूव। इसीलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं उसके बाद, आई जस्ट हॉप्ड आउट ऑफ बेड एंड मैंने डिसाइड किया कि लाइक इट्स टाइम टू स्टार्ट द डे, बिकॉज इवेंचुअली उठना तो था ही। तो बेड में लेट के आई वुड प्रोक्रेस्टिनेट, आई वुड फील इवन वर्स अबाउट माई सेल्फ। तो इससे अच्छा बस उठ जाओ। आसान बिल्कुल नहीं होगा, किसी को ये करना नहीं है। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ये जो ब्लैंकेट की वॉर्मथ है अभी देख के ही टेम्पटेशन आ रहा है, बट वी वॉन्ट गिव इन टू इट। मस्त कॉफ़ी बनाता है, इसीलिए पता है कॉफ़ी से मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। देर इज़ समथिंग टू डू आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ बेड। गाइस, अगर कोई अमूल के ओनर को जानता है पर्सनली तो एक स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट है। पूछ लो ना उनको कि उनको मेरे वीडियो में कोई चाहिए या नहीं, बिकॉज। तो ये कॉफ़ी बनने तक मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट भी बना लेते हैं, बिकॉज विंटर की वजह से भूख काफ़ी जल्दी लगती है। सो 4 पूरे अंडे, यहाँ पर कॉफ़ी और उस प्लेटफॉर्म पे जो केले हैं उनमें से 2 केले, ये हम ब्रेकफास्ट के लिए प्री वर्कआउट मील जैसे खाएंगे। ब्रश कर लिया, सनराइज हो रहा है। तो यार मेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन है जो मुझे आप सबको दिल से बतानी है। मुझे अपना स्लीप शेड्यूल इतना अच्छा करना है कि मैं ऑटोमेटिकली हर सुबह 4:30 या 5 बजे उठने लगूंगा, और जस्ट द थॉट कि मैं एक ऐसे अंधेरे एनवायरनमेंट में गाड़ी चला के जिम जा रहा हूँ, जिम में कोई नहीं है, इतना साइलेंस, इतना पीस है, और मुझे उस साइलेंस और उस पीस में हर रोज़ ट्रेन करना है, बिकॉज कमर्शियल जिम्स में आजकल वो पीस बिल्कुल नहीं मिलता फॉर वैलिड रीजंस। पर अगर मैंने खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की तो एक दिन मुझे वो रिवॉर्ड अर्न करना है। तो यार ये है मस्त प्री वर्कआउट मील, फाइनली रेडी हो चुका है। स्क्रैम्बल्ड एग्स और कॉफ़ी और 2 केले, मैक्रोज एज ऑलवेज आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख जाएंगे। वी लीड दिस, थोड़े से कपड़े वपड़े बदलेंगे, मे बी हम शेव करेंगे, और मुझे सनराइज़ देखना था बालकनी से, बट आज वीकेंड है एंड मुझे पेरेंट्स की स्लीप डिस्टर्ब नहीं करनी है। यहाँ से ऐसे थोड़े से रेज आ रहे हैं, इसीलिए मुझे पता चल रहा है कि सनराइज़ हो रहा है।
याद है मैंने आपको दिखाया था कि घर के अलग अलग कॉर्नर से ऐसे सन सनराइज हो रहा है ये पता चलता। वो सॉरी फॉर दैट। लो ओके 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 लुक एट दैट। माय गॉड दैट्स ब्यूटिफुल। दैट इज सब ऑरेंज येलो हुआ होगा अभी स्क्रीन पे। नेचर्स ब्लेसिंग गाइस। मैंने बोला था रोज सनराइज सनसेट देखना चालू करो एंड डू नथिंग। लाइक अगर आपको गाने सुनने हैं आप सुन सकते हो बट आई तो डू नथिंग। मैं 90% ऑफ द टाइम बस बैठता हूँ, चेहरे पे स्माइल होती है एंड मैं बैठता हूँ। दैट्स ब्यूटीफुल। नाउ दैट मैंने पिछले कुछ वीडियोस डैनीज जिम में शूट किया है, एक बहुत नेचुरल सवाल जो मे बी कई लोगों के दिमाग में आया होगा वो है कि मैं डिसाइड कैसे करता हूँ कि कौन से दिन पे किस जिम में जाना है। और मेरा एक बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर लेग डे होगा तो मैं विदाउट थिंकिंग डैनीज जिम ही जाऊँगा, बिकॉज डैनीज के पास एक बहुत ही अमेजिंग स्क्वाट मशीन है जिसका मैं इस पूरे अगले साल में अच्छा फ़ायदा उठाने वाला हूँ। एंड सेकेंडली लेग डेज के लिए उनके पास एक क्या बोलते हैं उसे स्टैंडिंग सिंगल लेग हैमस्ट्रिंग कर्ल मशीन है विच इज़ इक्वली अमेजिंग। सो लेग्स के लिए विदाउट थिंकिंग मैं डैनीज जिम ही जाऊँगा। फिर बात आती है पुल डेज की यानी बैक डेज की, जो आज हम ट्रेन करने वाले हैं उसके लिए मैं विदाउट अ डाउट इवॉल्व जाऊँगा, बिकॉज वहाँ पर जो हैमर स्टैंड की लैट पुल डाउन और मशीन रो की मशीन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। एंड मैं अपने जो भी बैक गेन्स हैं उनका मोस्ट क्रेडिट उन दो अमेजिंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग मशीनरी जो भी बोलो उनको देता हूँ। एंड पुश डे या अगर चेस्ट ट्रेन करना होगा तो मेरे काफ़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं लाइक चेस्ट और शोल्डर्स के लिए। दोनों जिम्स में एक स्मिथ मशीन है जिसका मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। सो पुश डे पे वो काफ़ी मेरे मूड पे डिपेंडेंट होता है। अगर मुझे शांति और अगर मुझे पीस चाहिए तो मैं डैनीज जाता हूँ, बिकॉज डैनीज जिम में सुबह क्राउड इतना ज़्यादा नहीं रहता, मे बी सिर्फ मैं होता हूँ और मेरे अलावा 3 या 4 जन होते हैं। सो इवॉल्व में वो एक डाउनसाइड है। ऑन पुश डेज एंड अदर डेज इन जनरल क्राउड बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मशीन्स ज़्यादा ऑफन मिलते नहीं हैं, एंड अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है। सो ओके अभी हम जिम जाने वाले हैं। इट्स द बेस्ट टाइम ऑफ द डे। सनराइज अभी अभी हुआ, इट इज़ 7:30 इन द मॉर्निंग। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने में। लास्ट टाइम मुझे याद है कि मैंने जो बेन रोमर का गाना लगाया था 4 minutes and 30 seconds वो भी ख़त्म नहीं हुआ था। लेट्स सी हाउ लॉन्ग वी टेक। पर पहले एक अच्छा गाना चूज़ करते हैं। आज मुझे रॉक सुनने का मन कर रहा है, पर एक EDM फ़ैन होने की वजह से मुझे रॉक सॉन्ग्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। इसीलिए अगर आप में से कोई हार्डकोर रॉक फैंस है तो कोई रिकमेंडेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। पिछले 1 या 1.5 महीने में मुझे अपने बैक में सबसे अच्छे गेन्स नोटिस हुए हैं, और पिछले मैं कहूँगा 1.5 या 2 सालों से। अगर आप इस चैनल को काफ़ी टाइम के लिए फॉलो कर रहे हो तो हर पुल डे पे मैं यूजुअली 3 मूवमेंट्स लगाता था, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल और लैट पुल ओवर। अब पिछले 1 या 1.5 महीने में मैंने वो जो तीसरी मूवमेंट है यानी लैट पुल ओवर उसे कम्प्लीटली अपने बैक डे से हटा दिया है, और मैं अपने बैक के लिए सिर्फ 2 मूवमेंट्स लगाता हूँ 3 sets each, विच मीन्स मैं हर पुल डे पे अपने बैक के लिए 6 total डिफिकल्ट सेट्स लगाता हूँ। अब ऑन पेपर फॉर ऑल यू साइंस नर्ड्स ये बहुत ही कम लग सकता है, हम सब ने 10 to 20 total sets पर मसल ग्रुप पर वीक ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी बार सुना होगा, बट मैं ये फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जो तीसरी एक्सरसाइज है वो हटाने की वजह से 2 चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़, मेरी जो भी लिमिटेड एनर्जी है वो मैं इन 2 main movements पे अच्छे से लगा सकता हूँ। इससे मेरा प्रोग्रेस काफ़ी ऊपर गया है एंड आई हैव गॉटन स्ट्रॉन्गर। एंड अगर आपको अच्छे एस्थेटिक्स चाहिए तो 8 to 12 रेप रेंज में अपनी स्ट्रेंथ ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन माई ओपिनियन। दूसरी चीज़ जो हुई है वो है मेरी रिकवरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। वो जो तीसरी मूवमेंट थी वो स्टिम्यूलस इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं किए बिना बहुत सारा एडिशनल फटीग ऐड कर रही थी, एंड जस्ट बाय रिमूविंग दैट मेरी ओवरऑल बॉडी की रिकवरी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। एंड पुश डेज, लेग डेज, पुल डेज सारे दिनों पे मैं ज़्यादा फ्रेश ट्रेन कर पाता हूँ। ओह पहले मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि इन्होंने पार्किंग या कुछ बंद कर दिया है,
बट टर्न्स आउट कि सिर्फ एंट्री का गेट बंद है, इसीलिए यू टर्न लेके एग्जिट गेट से एंटर करेंगे और वहीं से एग्जिट करेंगे बाद में। सो मतलब देखो ना, मैं 3 दिन के लिए इवॉल्व नहीं आता और क्या हो जाता है। ओह दिस इज वियर्ड, मैंने ऐसे कभी एग्जिट गेट से एंटर नहीं किया है। मैं पूछने वाला हूँ, पर मुझे जानना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, मैं क्यूरियस हूँ। हम हमारे भैया को पूछेंगे क्या हो गया एंट्री गेट को, क्या हो गया। वो है ना, ये वो तो गड्ढे सब गड्ढे, हाँ सीमेंट से लेवल कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वही सोच रहा था कल रात को किया था ना। ओके वो बंद है, मुझे पहले लगा पार्किंग बंद हो गया। ओके ओके थैंक यू भैया। आज का गेम प्लान काफ़ी सिंपल है, हम स्टार्ट करने वाले हैं इस मैट पुल डाउन के साथ। इसके हम इन टोटल 3 सेट्स लगाएंगे। ये होगी मेरी मेन वर्टिकल पुल, मैंने अभी अभी वार्म अप किया। फनी चीज़ यह है कि ये कुछ साल पहले मेरा वर्किंग सेट हुआ करता था। दिस इज़ ऑल द मोटिवेशन आई नीड। सो आज का टॉप सेट हम इसके साथ लगाएंगे, 3 सेट्स टिल फेलियर। मेरा अंदाज़ा है कि मैं लाइक दिस इज़ जस्ट माई प्रेडिक्शन, ओके 10, 9, 8 ये मेरा प्रोडिक्शन है। आइदर दैट और 11 तो नहीं जाएगा, 10, 9, 8 चलो। तो हम इसके 3 सेट्स लगाएंगे, फिर हम जाएंगे वहाँ पर और मशीन रो के 3 सेट्स लगाएंगे एंड वील कॉल इट अ डे। सुबह होने की वजह से आज खुश नहीं आ पाया, इसीलिए हमें जो भी वर्कआउट फुटेज है वो सब खुद ही शूट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक जुगाड़ी ट्राईपॉड सेटअप किया है विच इज़ अ स्टूल, सो इसका इस्तेमाल हम करेंगे और सारे स्टैटिक शॉट्स लेंगे। लवली, मुझे बस यहाँ पे बैठ के एक ओवरऑल वर्कआउट का ब्रीफ देना है। ब्रीफ ये है कि हमने आज के सेशन में 2 PRs मारे हैं, 3 मूवमेंट्स पे PRs मारने थे पर हम सिर्फ 2 पे मार पाए। सो लैट पुल डाउन 103 एग्जैक्टली जैसे मैंने ट्रेन करने के पहले प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। हमें 10, 9, 8 ऐसे तीनों सेट्स मिले टिल फेलियर, और उसके बाद मशीन रो पे मुझे 1 रैप ऐड करनी थी, बट आई थिंक लैट पुल डाउन पे PR मारने की वजह से मेरे अंदर थोड़ा सा फटीक अक्यूमुलेट हुआ, जिसकी वजह से हमने पिछले टाइम का परफॉर्मेंस मैच किया विच वॉज 8, 8, 8 तीनों सेट्स ऑलमोस्ट फेलियर तक। फिर हमने रेड एल्स किए, बाइसेप कर्ल्स किए एंड वी फिनिश द वर्कआउट, बट अभी बहुत सही लग रहा है, बहुत मस्त एंड ऑफ इन रश।
और अभी मैं प्रियंका से बात कर रहा था, काफ़ी हाई चांसेस है कि हम इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में दिल्ली जाएंगे एक मसल ब्लीज के शूट के लिए, इसीलिए वो सब डॉक्यूमेंट और ब्लॉग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी जाते हैं दुराब जीज, हम ग्रोसरीज पे रीस्टॉक करते हैं एंड वील हेड बैक होम। चलो भाई। तो यार एक इंट्रोवर्ट होने की वजह से ये जो सोलो सेशन होते हैं ना, सोलो वर्कआउट्स, उन्हें मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक माय कैमरा मोर देन आई लाइक पीपल, ऐसे आप कह सकते हो, विद सम एक्सेप्शंस, बट काफ़ी मस्त लगता है। टू गुड द पीस द साइलेंस, वो मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। और दिल्ली अभी 50-50 स्टेज में है। चीज़ यह है कि अगर मसल ब्लेज को पुणे में कोई जिम मिलता है तो वो शूट यहाँ पर ही करवा लेंगे, बट आई एम होपिंग कि हम दिल्ली जा पाएंगे, बिकॉज अलग सिटी, अलग जिम्स, अलग रेस्टोरेंट्स, अलग ओवरऑल एक्सपीरियंस, हो वो काफ़ी सही रहेगा। गुड मॉर्निंग, मेरा कर दो तो प्लीज़। पोस्ट वर्कआउट मील गाइज, 120 ग्राम प्रोटीन ओट्स, उसके अंदर एक स्कूप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वे प्रोटीन। हम वर्कआउट के बाद मस्त रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीन ये है कि डीप डाउन मैं खुश हूँ कि ये इस हफ्ते का आखिरी वर्कआउट है। जैसे आप अगर आप 6 times पर वीक ट्रेन कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि वीक के स्टार्टिंग में आपकी एनर्जी ऐसे पीक पे रहती है, और जैसे जैसे सैटरडे करीब आता रहता है वैसे आप थोड़े से ज़्यादा ड्रेन होने लगते हो, एंड आई फील लाइक दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और इतना परफॉर्मेंस पे फोकस करने की वजह से मैं सॉर्ट ऑफ खुद को आजकल एक एथलीट कंसिडर करता हूँ, बिकॉज ट्रेन करते वक्त मेरे दिमाग में हमेशा एक गोल रहता है। पहले कैसे होता था, मैं जिम जाता था, आई यूज़ टू चेज अ पम्प, वो सारे चीज़ें जिससे एक्चुअल मसल मास पुट ऑन नहीं होता उन पर मैं ज़्यादा फोकस करता था, पर अभी मेरा फोकस करेक्ट जगहों पर है, इसीलिए मैं आजकल रेस्ट डेज को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ। कल संडे है एंड पहले आई वुड गो ट्रेन एट सम जिम दैट वॉज ओपन, बट आजकल मैं रेस्ट डेज को भी एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि उस एक रेस्ट डे से मेरी जो बैटरी है वो अच्छे से रिचार्ज होने वाली है और मैं अगले हफ्ते के ट्रेनिंग के लिए सम वॉर रेडी होने वाला हूँ। ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा सेकेंड फेवरेट टाइम ऑफ द डे है। फेवरेट टाइम होता है जब मैं जिम जाके ट्रेन करता हूँ, बट मैं ट्रेन करने के बाद इस कोने में बैठता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने मेरे पोस्ट ट्रेनिंग पीसफुल स्टोरीज देखे होंगे। मैं यहाँ पर बैठता हूँ, नेचर को अप्रिशिएट करता हूँ, बर्ड्स की जो आवाज़ है वो सुनता हूँ, या कभी कभी कोने में स्पीकर रख के गाने बजाता हूँ। पर हाँ, दिस इज़ अमेजिंग दैट टू विंटर्स में ना फील्स लाइक मैं किसी हिल स्टेशन पे आया हूँ। आजकल मुझे फिजिक रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आप सबसे, और मैं जिस जिम में ट्रेन करता हूँ उन जिम वाले लोगों से भी, और मैं इस बात का जो क्रेडिट है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने पे देना चाहता हूँ। लाइक इवन व्हेन आई लुक एट माय फोटोज़ फ्रॉम 2 months अगो, या अगर आप मेरे चैनल पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, और मैंने 2 महीने पहले जो भी वीडियोज़ पोस्ट किए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सोलो पुल डे नाम का वीडियो पोस्ट किया था, उस वीडियो में मैं जो लैट पुल डाउन कर रहा हूँ, जो मशीन रो कर रहा हूँ, उस पर वेट काफ़ी कम है। लाइक कंपेयर टू टुडे, रिलेटिव टू टुडे वो वेट कम है, इसीलिए प्रोग्रेस चेज स्ट्रेंथ एंड एस्थेटिक्स विल फॉलो।